अपने कुलीग, अपने साथी, अपने दोस्त भाई मेंटोर अरशद नदीम को जी जी. सपोर्ट करने, वेलकम करने, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इतने टाइम से आ गया हूँ और ये सारा जो लोग इतने आए हुए हैं ये सारा देखने के लिए, और डेफिनेटली ये वो डिज़र्व करते हैं जो सारे लोग आए हैं माशाल्लाह से, और भी ज़्यादा आने चाहिए और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ये सारे आएंगे. यासर, खिते का भी और इस तरह का इस्तकबाल होगा और आप भी यहाँ पर मौजूद होगे क्योंकि बड़ी उसको मुश्किलात रही हैं, आपने तो साथ खेलते रहे उसके. हाँ बिल्कुल, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम आया हूँ अरशद को लेने, तो इस बार उन्होंने किया जो भाई वो करना चाहिए, और उम्मीद की बात यह है कि वाकई में उन्होंने जो काम किया ये बहुत कम लोग हैं इसके लिए, सारा पाकिस्तान भी आ जाए तो कम है जो उन्होंने काम किया, और इस बार वो कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने प्रूव किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी ज़्यादा हम उम्मीदें करते हैं कि अच्छी थ्रो करेंगे. ओलंपिक गोल्ड से आगे तो कोई चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे. सर, यासिर मैडम ले रहे हैं सारे, इंटरनेशनल मीडिया भी आपका नाम ले रहा है, तो किसी किस्म का आप पे प्रेशर है या आपको ये करेज मिल रहा है कि आपका नाम? नहीं, ये करेज है बिल्कुल, इसमें प्रेशर की तो बात ही कोई नहीं, बड़ी ऑनर की बात है कि लोग मुझे याद करें. इसकी वजह से जो मेन चीज़ है यही है कि अरशद की वजह से जैवलिन को लोग जाने लगे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो गया, सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा और ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा मेडल्स आएंगे पाकिस्तान के लिए. पड़े हैं अभी अरशद को लैंड होने के लिए, तो कैसा लग रहा है? हमारा कौमी हीरो आ रहा है जिसने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल हासिल करके. जी बिल्कुल, आपने सही कहा, काफ़ी घंटे पड़े हैं, लेकिन इससे पहले वाले घंटे जो हैं वो भी हमने तो घर में बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं. हम तो जब से जो है वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया है उसके बाद से हम ये चाह रहे थे कि कैसे वो हमारे पास पहुँचे और हम उसका इस्तकबाल करें जिसने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दिलवाई, पाकिस्तानी कौम को इतनी इज्जत दिलवाई, तो हम तो उसको मिलने के लिए बेताब हैं. दो तीन रोज़ में आप लोगों का एज ए फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से उसके लिए जी, बस इंशाल्लाह ताला अभी जैसे 14 अगस्त है तो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल के शक्ल में जो है तोहफा तो दे दिया है, लेकिन अभी उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाकी 14 अगस्त को जैसे प्रेजिडेंट साहब ने अनाउंस किया है कि जो उसको इंशाल्लाह ताला सिविल अवार्ड मिलेगा वो उसमें 14 अगस्त को पार्टिसिपेट करेगा. इसके अलावा रिसेप्शन हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसको रिसीव करेगी और साथ उसके बाद काफ़ी प्रोग्राम्स हैं कमिटेड होगा. एंड आई एम श्योर कि जी सबसे पहले वो चाहेगा कि अपने वालदैन को मिले, अपनी वालदा को मिले, जो कि आज अब मैं देख रहा था कि उन कह रही थी एक टीवी चैनल पर किसी पर कि जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं उड़ के पहुँच जाऊँ उधर, तो वो इंशाल्लाह ताला पहले अपने पेरेंट्स को मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी प्रोग्राम भी जो है ना वो तरतीब देंगे. बाकी जगहों से अगर बात की जाए इनामात की, तो इनामात की बरसात हो रही है अरशद के ऊपर. एथलेटिक फेडरेशन क्या कर रहा है हमारे बाकी जो कौमी हीरोज़ हैं उनके लिए भी, और ख़ास तौर पर अरशद के लिए किन इनामात का ऐलान करेंगे आप? जी, एथलेटिक फेडरेशन जो है इसका यही काम है कि अरशद नदीम को अल्हम्दुलिल्लाह
इसकी मेहनत के बाद, अल्लाह ताला के फजल के बाद ये बाकी सारे जो इनामात मिल रहे हैं ये फेडरेशन की मेहनत और उसके साथ जो है वो शामिल है। इसके अलावा बाकी फिर इंशाल्लाह ताला जो होगा, सबसे जो हम काम कर सकते हैं वो ये है कि जी हम इसकी नेक्स्ट जो लेवल पे है, लाइक इससे आगे जो इन लाइन हमारे पास प्लेयर्स हैं हम उनके ऊपर भी कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अरशद अदीम तो पहली चिंगारी है, इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमेशा और हर ओलंपिक्स के अंदर और बाकी गेमों में जो है हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे और पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे।